सबसे पहले तो आप पेंटिंग को ओपन कर लीजिए। तो पेंटिंग ओपन हो गई है, ये देखिए कलर भी दिख रहा है, तो ओपन हो गई पेंटिंग। और फिर आपको यहाँ से बड़ा करना है, ये हो गई। फिर ठीक नीचे जाके आपको एक माइनस प्लस का निशान दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस मैंने आपको माइनस प्लस का निशान बना दिया है, तो वो जो बीच में आपको एक चीज़ दिख रही है ना, उसको आप थोड़ी देर तक माउस से क्लिक नहीं कीजिएगा, ये आपको आवाज़ आ रही है, ये नहीं कीजिएगा आपको, बस उसको थोड़ी देर तक करना, जूम आएगा तो उसको दबा के यूँ, ये देखिए छोटा हो रहा है बड़ा, और फिर इसको बड़ा कर देना है, और फिर इसमें जाना है एक चीज़ में मैं कराऊँ, मेरा ऐसा आ रहा है ना, यूँ ये नहीं आएगा। फिर आपको इसमें जाना है, इसमें जाके ये वाली लाइन चूज करनी है, और फिर यहाँ से जो भी शेप लेना है आपको ले लें। मैं कार बना रहा हूँ, मुझे इस शेप की ज़रूरत है, तो ये शेप गाइस मैंने ले लिया है, और मैं इस शेप को ड्राइंग ड्रॉ करूँगा। ओके गाइस, शेप बड़े भी हो जाते हैं। सो गाइस ये कार ही है, अभी आप देखते रहिए, जीप बना रहा हूँ। तो गाइस थोड़ी देर में वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे पार्ट में मैं वीडियो को दिखाऊंगा। खाली हो गया, अगर ये तो खाली जगह दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ये खाली जगह। अगर इसको आपने भरना है तो पेंसिल लीजिए, और फिर यूँ ऐसे गाइस गलत होगा, आप ऐसा ऐसा ही है। पहले रेजर से इसको मिटा दूँ, ये पहले आपको यूँ चेप लेना है, मिट के कितना साफ मिटा है ना। और फिर टायर की जगह पे आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा और करके ये वाला शेप लेना है, दिखाता हूँ कौन सा, ये वाला शेप लेना है आपको। मैंने ले लिया शेप, ये शेप लेने के बाद करना है आपको इस कार में जो भी क्या कह रहा था मैं गाइस, हाँ टायर बनाना। तो यहाँ पर आप पहले टायर बनाइए, तो ये ऐसी लाइन आ रही है ना, इसको यूँ लाइए, ये टायर की जगह पर लगा दीजिए, और फिर रेजर लीजिए, टायर की जो वो चीज़ नहीं होती वो बना रहा हूँ, रेजर लीजिए, फिर ऐसे ऐसे उठा दीजिए, ये बन गई। और फिर डिस्प्ले बाहर भी यूँ और यूँ, फिर टायर पे कॉल लीजिए, वही टेढ़ी लाइन लेनी है, फिर यूं खींच देना, ओके। और फिर ये वाली, फिर आपको एक ऐसी ऐसी दिखेगी, जूम करके नहीं दिखा सकते ना, इससे आप लाइट बना सकते हैं। तो ये मैंने फिट कर दी इस पे। सो गाइस फिर आपको टायर लगाने, तो पहले टायर लगा लिए, मुझे पहले टायर लगाने लाइट लग गई ना, एक काफ़ी
पीछे लगाऊंगा बाद में। तो ये गाइस टायर बन जाएंगे। सो गाइस ये मैं फेस कैम भी करके दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये दो टायर बना लिए मैंने। वैसे गलती से बड़े हो गए ट्रक से। सो गाइस फिर आपको करना है यहाँ पे यूं बड़ी सी लाइन खींचनी है। यूं बड़ी सी लाइन खींच गई फिर आपको करना है। तो गाइस लाइन खींच गई है फिर आपको एक और टेढ़ी लाइन लेनी है। तो गाइस यूं बड़ी लाइन खींच के आपको यूं डोर तक ले जाना है। तो ये हो गया। फिर आपको करना है पेंसिल लेना है। निशान बना देना। तो निशान बना दिया हमने। और फिर आपको ये वाला शेप लेना है फिर से वो चक्कर वाला ये वाला। ओके फिर इतना इतना बड़ा करना इसको छते आपकी इसको यूं करके लगा देना है। अभी गाइस ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं इरेजर से इसको मिटाऊंगा। तो गाइस ये इरेजर से मिट गया। एक पेंसिल का निशान डालना है। सो गाइस यहाँ से भी मिटाना है। ये मिट गया है गाइस। फिर से पेंसिल का निशान डाल देना है। गाइस गलत चार्ट लेगा। अरे चल चुका है। फिर आपको फिर पेंसिल लेनी है और लॉक बनाना है और यहाँ पे चाबी का लगाना है। पीछे आपको ये नहीं करना बस लॉक बनाना है। चाबी वाबी का नहीं लगाना। के गाइस में पीछे की लाइट बनाना चिकन लाइट हो गई। फिर एक और लाइन लेनी है। गाइस मैं तो डोर के बारे में भूल ही गया। गाइस डोर बनाते हैं। ये आप डोर बनाते हैं पेंसिल से। गाइस मैं पेंसिल से ना इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ना पेंसिल से खराब नहीं होता डोर। वही टेढ़ी लाइन लेनी है इसको यूं लगा के यूं करना है। अगर आपको लंबा करना है और तो ये जो ऐसा आ रहा है ना यूं करके लंबा कर लीजिए। अब यहाँ पर जो चाहे वो कर लीजिए तो चीज बनाइए। सो गाइस अब मैं ड्राइंग बनाऊंगा जो कलर वाला मैं दूसरी वीडियो में करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन दबाना तो नहीं भूलेगा। बस ये कहता हूँ जो मेरी वीडियो पे नए हैं उनको। तब तक के लिए बाय। गाइस मेरा कैमरा गिर गया। अच्छे से तब तक के लिए बाय अल्लाह हाफिज़।